स्वागत है। मैं बैक अगेन विद नए टॉपिक के साथ। तो गाइज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था पैटेलो फेमोरल पेन सिंड्रोम के बारे में, तो अब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा 4 से 5 ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके नी पेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर किसी को पेन रहता है नी में, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप मेरी आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था गाइस, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ रीजंस थे उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अब मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और आप देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट। तो गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्क्वाट कैसे करनी है आपको, क्योंकि मोस्टली हम स्क्वाट करते हैं अपने क्वाड मसल के लिए। तो यहाँ पर हम क्वाड मसल ट्रेन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने नी का, तो इसलिए हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा अपनी मिड रेंज पर। तो स्क्वाट हम करेंगे मिड रेंज में। मेक श्योर गाइस के आपके जो नीज है शुड बी स्टेबल। यहाँ पर हम नी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं नी का, तो यहाँ पर आपके जो नीज हैं शूज से आगे नहीं जाने चाहिए, बेसिकली आपके सेकंड टो से आगे नहीं जाने चाहिए। तो गाइस, स्क्वाट सबसे पहली एक्सरसाइज है आपके लिए। इसमें हम करेंगे 3 sets 12 reps। तो चलिए गाइस, सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है लंजेस। मेक श्योर कि आप जब लंजेस करते हैं तो आपका बेसिकली ASIS बोन एंड आपका नी शुड बी पैरेलल, और आपका जो फॉरवर्ड नी है वो स्लाइडली फॉरवर्ड रहेगा लाइक दिस। तो गाइस, लंजेस आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं ईच साइड 10 reps 3 sets अगेन। तो चलिए गाइस, थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि आपका लाइंग पोजीशन के अंदर नी का एक्सटेंशन होगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। सी, सिंपल आपको लेटना है लाइंग पोजीशन में लाइक दिस, देन वी विल अटेंड द वन सिंगल लेग, होल्ड लाइक दिस और सिंपली एक्सटेंड। Then left hand side. तो guys, each side 12 reps हमें perform करने हैं, उसके 3 sets complete करने हैं। This is the isometric exercise, जिसमें आप अच्छे से अपने knee को relief दे सकते हैं और आप उसको cure कर सकते हैं। तो चलते हैं 4th exercise की तरफ। तो उसके लिए गाइज हमें फॉर्म रोलर चाहिए होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्म रोलर। बेसिकली दिस इज द मायोफेशियल रिलीज, ये आपके मायोफेशियल रिलीज करने में हेल्प करता है। तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है आपका IT बैंड टाइट होगा आपके जिस भी नी में पेन रहता है। तो जैसे आप ये ग्रे लाइन देख रहे हैं, तो इस टाइप का ही एक IT बैंड होता है इसी एरिया के अंदर। तो जब वो टाइट हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, पैटेलो फेमोरल पेन सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म रोलर से यहाँ पे हम इसको रोल करेंगे लेट के, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो। तो चलिए गाइज, मैं इस एक्सरसाइज को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो आपको सिंपली दिस एंगल, आपका जो फॉर्म रोलर होगा
आपको बेसिकली यहाँ पर रखना है नीचे। आप वीडियो भी देख रहे होंगे कि वो कैसे मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, दिस एंगल एंड सिंपली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे आपको सिंपली उसको परफॉर्म करना है। तो गाइस वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज और फिफ्थ एक्सरसाइज है आपका नी का फ्लेक्शन। तो नी का फ्लेक्शन करेंगे हम इस तरीके से, बेसिकली आपकी जो नीज को अपने पास कनेक्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, सिक्स। तो इस तरीके से हम बोथ साइड 12 रेप्स परफॉर्म करेंगे और 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे। तो गाइज ये 5 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज हैं आपके नी पेन के लिए, पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम के लिए, जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। तो गाइज अब मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और फैला देना अगर पसंद आए तो। तब तक के लिए लव यू।